बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए जितना भी दुख हो, हम लोगों को बहुत दुख है, और जिस तरह से वो किया है उस आदमी को तुरंत मेरे समझ से गोली मार देना चाहिए। राहुल गांधी चुप है, राहुल गांधी चुप है तो कल खेद व्यक्त कर रहे, तो मैं टीवी पर देख रहा था। उस आदमी को जितना जल्दी हो सके न्यायालय उस व्यक्ति को सजा दे, मैं मांग कर रहा हूँ। गोली मारने की शुरुआत कर रहे हैं, ये कानून में ऐसा होना चाहिए। उसने गर्दन काट दिया घर में घुस के, तो मेरे समझ से उसके लिए बहुत देर इंतजार नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत उसको सजा दे देना चाहिए। ये भारत के जनतंत्र में बहुत शर्मसार घटना हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए यह कम है। ये हिंदुस्तान है, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी भारत की संविधान और ये संविधान निर्माताओं द्वारा ये विषय रखा गया है, और इसी आधार पर ये सर्वधर्म संभाव ये देश चल रहा है। लेकिन तथा कथित लोग जो भारत को असहिष्णु भारत कहते हैं, जो भारत को एजेंडा विहीन प्रोपगंडा क्रिएट करना चाहते हैं, वैसे लोग इस तरह की छोटी छोटी हरकत कर देश को शर्मसार करना चाहते हैं, इनके विरुद्ध विधि संगत नियमानुसार कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा हम सरकार की तरफ से और अपने भारत के जो गृह विभाग है उसके तरफ से हम कहना चाहते हैं कि विधि संगत नियमानुसार ऐसे जो भी कारगुजारी किए हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत जो ऊंचाई पर बढ़ रहा है उसे असहिष्णुता पैदा कर शर्मसार करने की जो अमर्यादित काम हुआ है इसकी जितनी निंदा की जाए। सर आपने कहा छोटी छोटी घटना है, छोटी घटना है सर, ये छोटी घटना, हम छोटी घटना क्या बोले, आप बोले सर अभी। हमने कहा कि ये भारत के संविधान में जो ऐसी छोटी छोटी हरकत कर भारत के वैभव को शर्मसार करना चाहते हैं, ये छोटा हरकत करके नहीं जो असहिष्णुता पैदा कर रहा है, नहीं समझे। सर आपके एक मंत्री, सहयोगी मंत्री कह रहे हैं कि गोली मार देनी चाहिए वैसे लोगों, रामप्रीत पासवान जी ने ये बात कहा है। देखिए ये जो विधि संगत नियमानुसार है संविधान में जो बात है सर, कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत के संविधान में है क्या, क्योंकि कोई अगर गर्दन कर दे तो उसको उल्टा कर दिया जाए, ऐसा है संविधान में? ये न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायालय जो काम करता है, जो संविधान की जो दायरा है उसके तहत होता है। अब क्या कौन बोला ठीक है, क्या की गई है, क्या सामने देखो। ये देखिए राजस्थान की जो घटना है ये हम समझते हैं कि अति निंदनीय घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, और इसके लिए हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी घटना पर तुरंत रोक लगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के हम समझते हैं अकर्मण्यता के कारण यह घटना घटी है, और इस पर राजस्थान सरकार को गंभीर होना चाहिए। आपके हैं सहयोगी मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें गोली मार देनी चाहिए त्वरित कार्रवाई के लिए, वैसे लोग नहीं। देखिए कौन क्या कहे, लेकिन इतनी निंदनीय घटना है इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी कम है। जिस प्रकार की ये घटना घटी है हम समझते हैं कि इस प्रकार के घटना को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है सर।